विदेश में लोकप्रिय है, इसलिए इसे बनाना सिटी कहा जाता है। महाराष्ट्र का 2/3 केला उत्पादन और भारत का 16% केला उत्पादन जलगांव से होता है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक अगर जलगांव अलग देश भी होता तो भी दुनिया का 7वां बड़ा केला उत्पादक देश होता है ना गजब। महानगर पालिका जलगांव की शान 17 मंजिला इमारत है, लेकिन शायद बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि यह बिल्डिंग केवल भारत की ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की सबसे ऊंची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बिल्डिंग है। औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र में भी जलगांव अग्रसर रहा है। जैसे कुछ उदाहरण, जैन इरिगेशन सिस्टम लिमिटेड या जैन 2006 में दुनिया की दूसरी बड़ी ड्रिप इरिगेशन कंपनी बनी, दुनिया की तीसरी बड़ी डिहाइड्रेटेड ओनियन उत्पादक कंपनी भी बनी और भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनी जो फल और सब्जियों की प्रोसेसिंग करती हो। विप्रो कंपनी का मदर प्लांट भी अमलनेर में है, वही विप्रो जो आज दुनिया में मशहूर है। इसके मालिक अजिम प्रेम जी भारत के उन 4 दानवीरों में हैं जिन्होंने द गिविंग प्लेज में अपना नामांकन करवाया। भुसावल, भुसावल सेंट्रल रेलवे का डिविजनल जंक्शन है। यह एशिया के सबसे बड़े रेलवे यार्ड में शामिल है। भारत की 41 ऑर्डनेंस फैक्ट्रीज में से 2 भी यही है। जब 1919 में लोकोमोटिव शेड भुसावल में बनाया गया तब यह एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 3रा बड़ा लोकोमोटिव शेड था, यानी रिकॉर्ड बनाना जलगांव की पुरानी आदत है। कांग्रेस अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि यह इतिहास का पहला ग्रामीण अधिवेशन था। इसका सौभाग्य भी जलगांव को ही मिला। यह अधिवेशन 12 से 14 जुलाई 1937 में फैजपुर को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। सुवर्ण नगरी, 1930 से 1948 के बीच शुरू हुए सुवर्णकारों ने 3 दुकानों से शुरुआत कर जलगांव को भारत के नक्शे पर सुवर्ण नगरी के रूप में प्रस्थापित किया है। यहाँ के सोने की शुद्धता और वाजिब दामों की वजह से यहाँ आज भी मध्य भारत के इंदौर, नागपुर, बीड और गुजरात से ग्राहक आकर्षित होते हैं। विशेषताएं, खान पान में वांगेचे भरीत यानी बैंगन भरता, वरण भट्टी यानी दाल बाटी और यहाँ की स्पेशलिटी सेव सब्जी आज बहुत प्रसिद्ध है। टूरिस्ट स्पॉट में मनुदेवी, नोपदेव, पाल, मुक्ताई नगर, फरकांडे के झूलते मीनार, पाटना देवी, अमलनेर, पारोला, यावल इत्यादि, भुईकोट किले, ऐसे बहुत सी जगह है। जलगांव अपने एहरानी बिलाव गानों के लिए भी मशहूर है। तो इसी से वीडियो को समाप्त करते हैं। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।